हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें तीन होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उसमें दो तो आई होप तुम लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट, एंड आई होप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा एक बार, ठीक है ना। एटलीस्ट यू हैव गिवन अ ट्राई। चलो, तो इसने क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स रियल है। उसने स्पेसिफाई कर दिया रूट्स आर रियल, और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले मैं इस फैक्ट का यूज करता हूं कि रूट्स आर रियल, रियल रूट्स। तो रूट्स रियल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पता है क्वाड्रेटिक में क्या होगा। कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इक्वल टू भी मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज रियल रूट्स बोला उसने, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला। अगर डिस्टिंक्ट भी यूज करता तब मैं केवल लेता डी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन उसने केवल रियल वर्ड यूज किया है। सो आई विल से एज द रूट्स आर रियल, एज द रूट्स आर रियल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कैपिटल डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, और फिर इससे जो रिलेशन आएगा व्यू में वो हमें ऑप्शन देखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वेर बी इज वॉट कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो इधर होगा हमारा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इसका नेगेटिव होगा बट स्क्वायर करना है कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज वन एंड सी इज थ्री म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसने बोला है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब क्वाड्रेटिक का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात हमें व्हाइल सॉल्विंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस फैक्ट का भी यूज होगा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो ये हो गया, ये टू मैं बाहर लेता हूं, तो ये फोर बन के बाहर आएगा, ये फोर और ये फोर, आई विल सेंड इट टूवर्ड जीरो। तो मेरा वो इक्वालिटी इसमें रिड्यूस हो गया, तो मैं अगले स्टेप में लिखना है, ठीक है ना। मैंने इधर ही चेंज कर दिया, यू हैव टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, वो फोर कॉमन लेके यू हैव टू सेंड इट इन द आरएचएस। अब देखना, अब मेरा ये हो गया, फिर मैंने लिखा इसको फर्दर, लिखा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को आरएचएस में लेके गया, तो थ्री म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहां से मेरा इनइक्वालिटी क्या बना, म्यू को एक साइड रख रहा हूं, तो म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू का स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो मेरा एक ये आ गया म्यू की, म्यू में इनइक्वालिटी ये आ गया। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर इसको नीचे कैसे लेके आ गए, हमें पता नहीं इसका साइन, बिकॉज इनइक्वालिटी में तो अगर मैं इस टर्म को नीचे लेके आऊंगा वो तो जब लेके आ सकता हूं जब मुझे इसका साइन पता हो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूं कि एबीसी तो साइड्स है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अगर एबीसी पॉजिटिव है तो एबी प्लस बीसी प्लस सीए, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, हेंस आई कैन टेक दिस इन द डिनोमिनेटर ऑफ इट, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो पॉज करके तुम इतना पार्ट कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं, ठीक है ना। तो स्पेस क्रिएट करते हैं, तो आई एम रबिंग इन द क्वेश्चन, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं। तो मैं इस पार्ट को भी रब कर दे रहा हूं, इतना बस जो लास्ट में इनइक्वालिटी है वो उसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। चलो, अब मैं अगेन आई एम यूजिंग द फैक्ट कि एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने लेट्स से पहले इक्वेशन वन बोल दिया, लेट्स से दिस इज माय पेरेंट इक्वेशन, इसी से हमारा आंसर आने वाला है। मैंने बोला कि अगर एबीसी साइड्स है तो अब मैं एक थ्योरम यूज करूंगा जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेसिकली 9th 10th में, कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स is always less than the third side. क्या लिखूंगा मैं, using the fact that difference of any two sides of a triangle is always less than the third side. आई होप सबको पता होगा ये सब ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस फैक्ट का मैं यूज करूंगा, कैसे देखना। मैंने लिखा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, लेट्स से ए माइनस बी
का डिफरेंस मॉड लगा दिया बिकॉज हो सकता है ए बड़ा ए बी बड़ा हो, ठीक है ना। मैंने लिखा मॉड ऑफ ए माइनस बी दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो ग्रेटर देन होगा दिस विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब क्या किया मैंने, इसको स्क्वायर किया। अब कोई बोलेगा सर स्क्वायर ऐसे तो नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में, फर्स्ट वी शुड मेक श्योर कि बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, तो है पॉजिटिव सी तो साइड है ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, इधर मैंने मॉड लगा रखा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इधर तुम एक स्टेप लिखो सिंस बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव देयरफॉर वी आर स्क्वायरिंग, देयरफॉर वी आर स्क्वायरिंग। ऐसे नहीं कर सकते इनइक्वालिटी, मैंने बताया था कि हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बट हियर सिंस बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव देयरफॉर वी कैन स्क्वायर। तो देखना स्क्वायर करने पे क्या आया, इसको लिखा a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, इधर से मेरा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो दिस इज माई लेट्स इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरी साइड्स के लिए भी लगा सकता हूं, मैंने बोला ये तो मैंने डिफरेंस ऑफ इसमें क्या लिखा है एनी टू साइड कोई भी दो साइड ले लो, तो अब मैंने लगाया बी माइनस सी पे, बी माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज ए, अगेन सेम चीज स्क्वायर किया सिंस बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा इधर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, दिस इज लेट्स से माय इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अच्छा अब लास्टली एक और क्या बचा, ए बी का पेयर हो गया बी सी हो गया सी और ए बचा, तो सी माइनस ए डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड व्हिच इज बी, फिर अगेन हमने क्या किया स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इधर देखो बच्चों सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, लेट्स से मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इधर ऊपर ही वाला रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी इक्वेशन टू थ्री फोर है इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, तो लिखो इधर एडिंग इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, एडिंग इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, तो क्या आएगा देखना इधर से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा एलएचएस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो हो गया मेरा इन तीनों इनइक्वालिटी को ऐड करने पे एलएचएस पार्ट। अब आएगा आरएचएस पार्ट ग्रेटर देन, क्या आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हियर इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो, इसका यूज नहीं है। अब देखना क्या किया मैंने, अब ये टू टू टाइम्स है ये एक टाइम से, ये पूरा गया ये टू से, तो मेरा फाइनली इधर क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो इस चीज को ना तुम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर सकते हो, इसको लिख लो क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में काम आएगा, एबीसी एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जैसे क्वाड्रेटिक से रिलेट ना करके कि प्रूव दैट दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू इफ वेयर एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोला प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेयर एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया। तो मैंने बोला इसको मेमोराइज इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, मेमोराइज इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट ओनली फॉर द ट्रायंगल, ठीक है ना, केवल ट्रायंगल के लिए वैलिड है क्योंकि मैंने ट्रायंगल वाला फैक्ट यूज किया है इसको ड्राइव करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसमें कैसे इसमें कैसे करेंगे, तो देखो इधर से मेरा आया, चलो मैंने इसको एक काम करता हूं इसको इधर ही छोड़ देता हूं, लेट्स सी दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। अब मैं दोबारा फोर पे आता हूं, वन पे आता हूं, तो क्या लिखा है म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन कर देता हूं, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इधर से आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डिनोमिनेटर में लिखा है थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैंने इसको सेपरेट किया, सेपरेट किया मतलब है म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू इतने पार्ट को अलग लिखा और इतने पार्ट को अलग लिखा, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
और प्लस अब ये ट्वाइस ऑफ, ये एक्चुअली ब्रैकेट है ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ दिस डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ दिस, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा कॉन्स्टेंट बचा विद दिस, ऊपर से टू नीचे थ्री, तो मेरा ये आ गया। अब मैं फैक्ट यूज करूंगा कौन सा, जो मैं ये वाली इनइक्वालिटी ड्राइव किया था इधर से, क्या किया इधर से मेरे को दिख रहा है फ्रॉम हियर क्या आ रहा है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वाला पार्ट मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्यों लेके आ रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ए बी सी साइड्स है, तो क्या आया उधर ग्रेटर देन टू, ये वाला फैक्ट मैं यूज कर रहा हूं कब इसमें, तो देखो उसने क्या बोला है कि म्यू इससे बड़ा है, तो मैं इसकी इसकी मिनिमम वैल्यू इधर रख देता हूं, इसमें बोला ग्रेटर देन टू है, तो मिनिमम क्या होगी इसकी, टू वैल्यू होगी इतने पार्ट की, तो क्या हो जाएगा म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू इसका वैल्यू टू और नीचे डिनोमिनेटर में थ्री लिखा है, तो टू बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री, देखो समझ में आ रहा है ना बाकी, तो फाइनली मेरा क्या आया म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 4/3, दिस इज माई आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसे बोल सकता हूं मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस, ठीक है ना, नॉट मेंस, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा क्वाड्रेटिक का पार्ट भी यूज हो गया, प्लस हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी आ गया इसमें, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, तो एक बार रिकॉल करते क्या क्या किया, देखो उसने क्या दिया था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए बी सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो उसने बोला था कि उस क्वाड्रेटिक का रूट्स जो है वो रियल है, तो मुझे पता है रियल रूट्स के करस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने वही कंडीशन लगाई, तो उससे मेरे को एक ये रिजल्ट मिला म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, फिर मैंने इस चीज को हटाने के लिए क्या किया, अब ट्राइंगल वाला फैक्ट किया, डिफरेंस ऑफ टू साइड हमेशा छोटा होता है थर्ड साइड से, या फिर हम इसको एक और तरीके से बोलते हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट मैंने द डिफरेंस वाला पार्ट यूज किया है, तो डिफरेंस में मैंने स्क्वायर करके इनइक्वालिटी बनाई, ऐसे तीन इनइक्वालिटी बनाई, और मुझे पता है इनइक्वालिटीज को मैं ऐड कर सकता हूं, ये हम बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़े थे, तो उन तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड करके मेरे को ये रिजल्ट मिला, विच इज अगेन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एज आई टोल्ड यू टू मेमोराइज इट, इस फैक्ट से मैंने निकाला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन टू होगा, उसको मैंने इधर रख दिया, तो मेरा फाइनली आया म्यू जो द पैरामीटर था दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 4/3, क्लियर हुआ बच्चों, और अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है ना तो पूछ लेना मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, फील फ्री टू आस्क, तो ये हो गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में, दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो इसको कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं, मैंने बोला ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ तो हम देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें टाइप फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखना देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पैराबोला, वन इज अपवर्ड वन इज डाउनवर्ड, ऐसा मैंने तुम्हें बताया, उसी को तो हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, और उसके कुछ और नाम होते हैं, तो जैसे देखो फिजिक्स में तुम पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो ऐसा होता है पैराबोला में, तो ये जो इसकी ये वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, और जो बाहर वाली साइड होती है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, याद रखना इसको, ठीक है ना, अंदर वाली साइड को कॉनकेव और बाहर वाली साइड को कॉन्वेक्स, अब मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर पहले लिख लो, पहले ऐसे लिख लो कि फॉर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक क्या है, फॉर क्वाड्रेटिक जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ग्राफ का, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, वेयर माई ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ABC constant and A is not equal to zero, ठीक है, इसके लिए मैं देख रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा मैंने लिखा है A, if A is greater than zero, मतलब A positive है, तब क्या होगा मेरा parabola will be upward, तो क्या होगा the scenario is something like this, इसके अब देखो इसके मैं कैसे कैसे नाम यूज जनरली बुक में यूज होते हैं, एक तो मैं सबसे स्टैंडर्ड parabola upward, parabola upward, ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं इसको पैराबोला, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग
अपवर्ड, ठीक है। अच्छा अब मुझे मान लो इस नाम से बुला रहा है, इसका हेल्प लेना है मुझे इसको बोलने के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं? देखो अगर मान लो मैंने बोला कॉनकेव का यूज करो, इसको कैसे डिफाइन करूंगा मैं, कैसे नाम बोलूंगा इसका बेसिकली? तो कॉनकेव साइड ऊपर है ना, ये वाली साइड कॉनकेव होती है, अंदर वाली बताया था मैंने, तो इसको क्या लिखूंगा फिर? कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, क्लियर हुआ? और जो नीचे वाली साइड है वो क्या है? कॉन्वेक्स है, तो उसकी मदद से मैं कैसे लिख, क्या लिख सकता हूं? कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, क्या लिखा इसको? कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। तो ये चारों नाम याद रखना, डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड, वो ऑल विल बी सेम। कब होगा ये? व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। इसी में दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा हमारा? डेफिनेटली ए इज लेस देन जीरो, क्योंकि ए इक्वल टू जीरो तो होता नहीं है, तो तीन ही चीज पॉसिबिलिटी है जिसमें एक हो नहीं सकती, तो क्या बची हमारी? ए इज लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो होगा तो पैराबोला क्या होगा मेरा? ये ऐसा होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? तुम लोग लिख लो इधर ही, इसी के टर्म्स में लिख लो। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, नहीं तो चलो लिख लेते हैं, पैराबोला, पैराबोला डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, या फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, पैराबोला माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, या फिर अब देखो अब इसकी कॉनकेव साइड नीचे है, ये वाली कौन, तो क्या लिखूंगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। इधर कॉनकेव अपवर्ड था, तो इधर क्या हो जाएगा? कॉनकेव, कॉनकेव डाउनवर्ड। और लास्टली कॉन्वेक्स साइड ऊपर है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड। क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि ए अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ खुलेगा पैराबोला, ए अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ होगा। ऑल दिस फैक्ट वी विल यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है? तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब देखना, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो पहले मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, उसके बाद हम इसका ड्राइव करेंगे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स? तो रिजल्ट इज वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है माइनस बी बाय टू ए। इसको एकदम टिप्स पे रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस डी अपॉन फोर ए। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। मेमोराइज दिस, मेमोराइज दिस। और ये किसके लिए? That is for the standard जो हमने लिया है, जो भी हम points लिखने वाले हैं, they are all for ax square plus bx plus c, ठीक है ना? तो लिख लेता हूं इधर, ax square plus bx plus c, this is my fx, या फिर y बोल लो इसको। चलो तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो इसको ड्राइव भी हम ना दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सोचो कैसे आया ये मेरा। देखो पैराबोला लेट से मैंने ये बनाया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? नीचे एक्सेस को कट भी कर सकता है, वो अलग बात है। अभी मैंने बोला एक जनरल पैराबोला मैंने ऐसे बनाया, देन वी हैव टू प्रूव कि ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है, लेट्स से मैं इसको वी बोल रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स आर दिस माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। तो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ इट। देखो प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, क्या फैक्ट यूज करें हम? देखो जैसे अकॉर्डिंग टू अभी जो पैराबोला बनाया है विच इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड, इस पॉइंट की क्या खासियत है? जस्ट टेल मी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे दैट इज एट x, लेट्स से मैं इसको x1 बोल रहा हूं, एट x इज इक्वल टू x1 द पैराबोला में जो वैल्यू मिल रही है y की, दिस इज मिनिमम, दिस इज y मिनिमम। करस्पॉन्डिंग टू x1 वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मतलब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे क्या होगा? पैराबोला की मिनिमम वैल्यू होगी। लिख लो इधर वाले, लिखना है तो वर्टेक्स पर अकॉर्ड, अब माउथ ओपनिंग अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगी। मैंने लिखा फॉर दिस, फॉर दिस पैराबोला, फॉर दिस पैराबोला से मतलब है ए ग्रेटर देन जीरो, अपवर्ड है, वर्टेक्स ऐसे लिख लो, एट वर्टेक्स वी विल गेट, वी विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y।
अब मैं मैथमेटिकली इसको यूज करूंगा, इस फैक्ट को, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। कैसे करूं मैं? तो उसके लिए दो एक तरीके हैं, जैसे कि एक मैं बता रहा हूं, शायद तुमने पढ़ा भी होगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में, शायद पढ़ाया हो बेसिक मैथमेटिक्स, आई एम नॉट श्योर, कि मैक्सिमम मिनिमा कहां आता है। मैक्सिमम मिनिमा आता है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है। डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते हैं हम डेरिवेटिव, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी के लिए हमने याद रख लिया कि मैक्सिमा या मिनिमा पे क्या होता है, डेरिवेटिव इज जीरो। तो लिख लो इधर, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा, मैक्सिमा या फिर मिनिमा दोनों के लिए, एट मैक्सिमा या मिनिमा द डेरिवेटिव शुड इज जीरो, द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो। ठीक है, ये फैक्ट मैं यूज करूंगा। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इसका मतलब उसका स्लोप कितना होगा, टेन ऑफ जीरो डिग्री, विच इज जीरो। तो वो फैक्ट मैं यूज कैसे करूं? अब मैं क्या करूं, उसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो इधर, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा मेरा, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए तो कॉन्स्टेंट है तो टू आगे आ जाएगा, कितना होगा, टू ए एक्स प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव बी, और सी का डेरिवेटिव जीरो। तो मैंने क्या बोला कि एट मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो, तो मैं क्या कर दूं, इसको जीरो के बराबर कर देता हूं। तो इधर से मेरी कितना क्या आया, टू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स कितना आ गया, माइनस बी बाय टू ए। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया वर्टेक्स का। क्या फैक्ट यूज किया मैंने, कि एट वर्टेक्स द पैराबोला की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मिनिमम। ठीक है ना, फॉर अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड के लिए उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमा आएगा, बट फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव इज जीरो। तो सेम प्रूफ उसका होगा, सेम चीज आने वाली है, अलग ही। तो ये मेरा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब वाई कैसे निकालूं मैं? तो देखो, अगर मान लो तुम्हें, जैसे मैंने लिखा, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, मैंने बोला लेट्स से ये लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक कर्व की इक्वेशन है, किसी लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है ये। तो मैंने बोला मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया x इज इक्वल टू वन, तो मैंने y क्या होगा, कुछ नहीं, ये x मैं इसमें रख देता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा मुझे। तो x इज इक्वल टू वन इसमें रखा, तो y कितना मिल गया, थ्री। क्या बोला मैंने, एक कर्व है उसके ऊपर मुझे एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट वन दिया है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट है ना उसको तुम इस फंक्शन में रख दो, तो तुम्हें y मिल जाएगा। सिमिलरली इधर करेंगे, मुझे एक बार x मिल गया, मैं क्या करूं, इसको y इक्वेशन वन में रख देता हूं टू गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, माइनस बी बाय टू ए का स्क्वायर, प्लस बी इंटू एक्स, एक्स इज माइनस बी बाय टू ए प्लस सी, दिस इज y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंड दिस हैज टू कम माइनस डी बाय फोर ए, आना चाहिए इसको। तो हम आगे करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इतने पार्ट को कॉपी करो, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ वाला पर्टिकुलर पार्ट, देखना। मैंने बोला इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो गया y, y इज इक्वल टू, ये देखो, ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, इधर से हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए, माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए, और प्लस c, प्लस c, तो एक ए से तो एक ए कैंसिल, तो ये मेरा बना बी स्क्वायर बाय फोर ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, और प्लस c। अब क्या करूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर बाय फोर ए माइनस बी टू बी स्क्वायर बाय फोर ए प्लस फोर ए सी बाय फोर ए। तो फाइनली आई एम गेटिंग फोर ए सी माइनस टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो एक बचेगा, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए। तो अब इधर से नेगेटिव कॉमन लिया, तो लिखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, और ये मेरा क्या है बेसिकली, ये तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो फाइनली मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस डी बाय फोर ए, हैंस प्रूफ। ये हो गया मेरा वर्टेक्स, क्या है, तो वर्टेक्स से फाइनली कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाय टू ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस डी बाय फोर ए। क्लियर हुआ बच्चों? तो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं, ठीक है ना, दिस इज मेथड वन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। बट देखो, हमें एग्जाम में ड्राइव नहीं करना है, ड्राइव तो मैंने इसलिए बताया थोड़ा फील आ जाए कि आया कैसे, बट हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, माइनस बी बाय टू है, माइनस बी बाय फोर है, इसको 10 बार मन में बोलो याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैंने बोला मेथड टू टू फाइंड द वर्टेक्स। देखना अभी जैसे मैंने बोला कि वर्टेक्स पे क्या हो रहा है, वर्टेक्स पे वाई इज मिनिमम, वाई मिनिमम मिल रहा है मुझे वर्टेक्स पे, लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मिनिमम मिल रहा है तो क्या किया हमने, इसको अब ड्राइव करेंगे हम यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या है, पहले मैंने क्वाड्रेटिक लिख दिया, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर लेक्चर वन में जब मैंने इसके रूट्स ड्राइव किए थे क्वाड्रेटिक में, तब जो मेथड यूज किया था टू फाइंड द रूट्स, वही मैं यूज कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करते थे हम, जैसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, चलो थ्री एक्स मतलब फोर थ्री एक्स ले लो, चलो सिक्स एक्स प्लस टू है। मैंने बोला इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करते थे हम, इन दोनों फैक्ट का यूज करते थे, कॉन्स्टेंट को हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं। तो इस फैक्ट को देख के मुझे क्या लगेगा, x प्लस थ्री का परफेक्ट स्क्वायर से बनेगा ये दोनों टर्म्स, x स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, बट इसमें फालतू का एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, थ्री का स्क्वायर मतलब प्लस नाइन एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करें माइनस नाइन, और ऊपर क्या लिखा है प्लस टू, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज वी आर सेइंग ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में ऐसे लिखा हो गया। सेम चीज अब मैं इधर यूज करूंगा, देखना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, पहले पहले तो ए कॉमन ले लिया, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय, अब इन दोनों फैक्ट का यूज करूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा देखना ध्यान से, ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, एक्स प्लस बी बाय टू ए, तो इससे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दिस इंटू दिस करोगे तो टू से टू कैंसिल, एक्स बी बाय ए आ गया, बट इससे फालतू का टर्म क्या आ गया मेरा, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर और प्लस सी बाय ए, तो लिखा ही है। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब देखो ये मेरा क्या है, वाई, ठीक है वाई है। अब देखो वाई में ये तो एक कॉन्स्टेंट है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरिएबल, लिख लेना उधर प्रॉपर। वेरिएबल से मेरा मतलब क्या है, x के साथ वेरी कर रहा है, x चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये पार्ट चेंज नहीं होगा। तो सोचो कुछ सोचो कि ये क्या लिखा है, कि स्क्वायर क्वांटिटी लिखा है, तो ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, हमें पता है स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव। तो ये मुझे ओवरऑल इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब आएगी, जब ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब होगा, जब ये चीज जीरो हो जाए, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज x प्लस बी बाय टू ए मस्ट बी जीरो। समझ में आया, एक बार और मैंने बोला कि ओवरऑल मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैंने कहा इसमें वेरिएबल पार्ट था वो ये था, ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल पार्ट और दिस इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पैराबोला के ऊपर x वेरी करेंगे तो। मैंने कहा इसकी मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मिनिमम कब होगा, जब ये जीरो हो जाए, और ये जीरो कब होगा, जब x प्लस बी बाय टू ए जीरो हो जाए, तो इससे मुझे क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, तो ऐसा नहीं करेंगे कि दोबारा y में रखें, अब यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। कैसे, देखो मैंने बोला x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए इसमें रखा, तो ये तो जीरो हो ही रहा है, उसी कारण से तो आया था, तो फाइनली y कोऑर्डिनेट क्या मिला, a टाइम्स, देखना a टाइम्स माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाय, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। आपको बोलेगा सर उधर तो माइनस बी बाय फोर ए था, सिंप्लीफाई करो बेटा, यही आएगा। कैसे, देखो क्या किया, एक बार एलसीएम ले लिया, एक मिनट, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा मेरा, ये फोर ए से मल्टीप्लाई किया, फोर ए फोर ए, तो ऊपर आया ए और इधर हो गया, चलो इसको ऐसे लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, एक ऐसे एक है एक कैंसिल, ऊपर क्या लिखा है देखो ध्यान से, माइनस डी लिखा है, तो फाइनली मेरा क्या आया, माइनस डी बाय फोर ए, दैट इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो देखा कितना अच्छा प्रूफ है, समझ में आया ना। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब इसी को एक और तरीके से देख लेते हैं, जब इतना देख लिया तो एक और तरीका देखते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। मैंने बोला अब मैं यूज करूंगा कौन सा फैक्ट टू फाइंड द वर्टेक्स, हमारा रूट्स, रूट्स। तो लेट्स से अब मैं पैराबोला ऐसा ले रहा हूं जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सो दैट तुम्हें ज्यादा फील आएगी, बट इट इज ट्रू फॉर मेथड, इज ट्रू फॉर एवरी पैराबोला। मैंने बोला
कि लेट्स से दिस इज अ पैराबोला, ठीक है. सो दिस इज, दिस कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा जीरो, दिस कोऑर्डिनेट इज बीटा कॉमा जीरो. जहां एक्स एक्सिस कट करता है उसी को तो रूट्स बोल, अगर मैंने इसका रूट्स अगर अल्फा और बीटा बोले तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा जीरो, दिस इज बीटा कॉमा जीरो, ठीक है. अच्छा अब ध्यान से देखो, या फिर क्या होता है कि जो ये जो पैराबोला होता है ना, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है. तो ये जो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ, लेट्स से अगर मैंने इसको ए पॉइंट बोला, इसको बी पॉइंट बोला, तो दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, सम करके डिवाइड बाय टू कर दो. जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ये नंबर लाइन है, ये पॉइंट है लेट्स से 2, 0, और लेट्स से ये पॉइंट है 4, 0. मैंने कहा मिड पॉइंट क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 2 + 4, 6 डिवाइड बाय 2, तो क्या है 3, 0. तो दिख भी रहा है 3, 0 मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2. तो मैं क्या लिखूंगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट. तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट पे 0 होगा. अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ गया. अब मुझे अल्फा और बीटा तो पता है मुझे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. तो अल्फा क्या होता है मेरा, देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2. और बीटा क्या होता है मेरा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2. अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट आउट विथ, देखो माइनस बी माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाय 2, ठीक है. अच्छा एक मिनट, माइनस और ये तक a और होता है, ठीक है ना, a और होता है, तो ये a हो गया, ठीक है. अब देखना मैंने क्या किया, अब मुझे क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो ये वाला 2 मैं इधर लेके आ गया, तो देखो आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय 2 है. अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करूं मैं, अच्छा देखो अभी तो मैंने क्या हेल्प लिया, हाँ एक चीज और, अभी ये मेरा वर्टेक्स, अब कोई बोलेगा कि सर ये तो आपने इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाला ना, बट मुझे तो वर्टेक्स का चाहिए था, मुझे तो इसका चाहिए था. तो याद रखो बाकी स्ट्रेट लाइन से पढ़ेंगे हम, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, जैसे लेट्स से ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, जो जो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा. वाई एक्स मतलब वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट वेरी होता है, x कोऑर्डिनेट रिमेंस द सेम. सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इस पे क्या होता है मेरा, y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, x वेरी करता है. तो इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट माइनस b बाय 2 है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या इसी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, hence x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट मस्ट बी माइनस b बाय 2 है. तो अगर लिखना है तो लिख लो, ऑन वर्टिकल लाइन, ऑन वर्टिकल लाइन x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट रिमेंस कॉन्स्टेंट. तो अब x कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या करूं फिर, बट y में रख दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वही सेम जैसा पहले मेथड में किया था, माइनस डी बाय 4 है. तो आई होप क्लियर हुआ होगा तीनों मेथड से आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना. वो कहीं भी तीनों मेथड में तुम्हें कंसेप्चुअल डाउट है कोई भी, कि सर नहीं समझ में आया कि मिनिमा कैसे है क्या नहीं, वॉट एवर काइंड ऑफ डाउट, यू हैव टू क्लियर इट बाय टुडे, आज की आज क्लियर कर लेना, तीनों मेथड आने चाहिए, ठीक है ना. चलो अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं. तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, पहले हमने क्या डिस्कस किया, अबाउट द पैरामीटर ए, नेक्स्ट हमने वर्टेक्स किया, ठीक है. अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं लाइन ऑफ सिमेट्री. हाँ तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात है नहीं. तो हमें पता है लाइन ऑफ सिमेट्री से वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसी लाइन जिसके अबाउट माय पैराबोला इज सिमेट्रिक. तो अगर मान लो ये मेरा पैराबोला है तो मुझे पता है कि सिमेट्रिक किस लाइन के अबाउट होगा. सिमेट्रिक से मेरा मतलब है मिरर इमेज अबाउट ईच अदर. तो आई विल से कि दिस लाइन, दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज द लाइन जिसके अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक होगा. दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना. जैसे अगर मान लो मैंने इधर मिरर रखा, तो ये
इसका इमेज होगा, या फिर बोल सकते हैं ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज होगा. तो दे बोथ आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन दिस. अब मुझे इसमें क्या बताना है, इसकी इक्वेशन बतानी है. तो देखो जैसे फिजिक्स में तुमने थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ. तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि जो वर्टिकल लाइन होती है ना, फॉर वर्टिकल लाइन इक्वेशन विल बी ऑफ टाइप एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया अभी. बाकी हम जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, तब हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना. तो मैंने बोला कि फॉर वर्टिकल लाइन इक्वेशन क्या होती है वर्टिकल लाइन की, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने बोला वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. वही फैक्ट जो मैंने अभी लिखवाया ना इससे पहले, कि वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है. अच्छा अब मेरे को लिखना है इस लाइन की इक्वेशन. अब मैं क्या फैक्ट यूज करूं इक्वेशन लिखने के लिए, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंट तो बताना पड़ेगा, ये तो फिक्स नहीं हुआ ना, मेरा लाइन नहीं है परफेक्ट. तो मैंने बोला अब मैं फैक्ट यूज करूंगा जो वर्टेक्स के मैंने कोऑर्डिनेट निकाले थे उसमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट का फैक्ट यूज करूंगा. पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे, -b/2a, -d/4a. अब मैंने बोला कि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का, एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाए तो वही मैं इधर रख दूंगा कॉन्स्टेंट की जगह, और मुझे पता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a. तो इस लाइन की इक्वेशन मेरी क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू -b/2a. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला ax2 + bx + c. क्लियर है बच्चों. तो ये इतना सही पॉइंट था, ज्यादा इसमें हमें एनालिसिस करना नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट. तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो. नेक्स्ट मैं मूव करता हूं फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है. अब देख लो, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं ये मिटा देता हूं मैं. फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट. तो दिस इज फोर्थ पॉइंट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, अबाउट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल टू b² - 4ac. अब देखना, अब मेरा जो d है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि d अगर पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, d अगर जीरो होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, d नेगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं. तो उसी के करस्पॉन्डिंग वी विल सी द ग्राफ ऑफ पैराबोला, ठीक है. तो पहला केस वन, d इज ग्रेटर देन जीरो. D greater than 0 है, this implies roots are real. ये हम देख चुके हैं, roots are real. अब roots real है. अच्छा, roots को मैं वैसे कैसे define किया था जब हमने basic math में पढ़ा था, root क्या होता है, x की values जिसके लिए मेरा y 0 हो रहा, x की values जिसके लिए मेरा y 0 हो रहा. और graphically क्या होगा, कि y 0 हो रहा है इसका मतलब graph x axis को cut कर रहा है, roots real है इसका मतलब क्या, एक और इंटरप्रिटेशन क्या बोलूंगा मैं इसको, ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस. तो इस केस में हमारा पैराबोला क्या होगा, काइंड ऑफ दिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, जहां कट करेगा उसको रूट बोल देंगे. समझ में आया क्या बोला मैं, रूट्स आर रियल मतलब क्या है कि हमारा जो पैराबोला है दैट विल कट द एक्स एक्सिस. अभी ऐसे याद कर लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है. अच्छा, ये तो मेरा केस हुआ. इसके अंदर भी जैसे a ग्रेटर देन 0 हुआ, इसके अंदर हम दो केस बना सकते हैं, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0. तो इधर मैंने बनाया a लेस देन 0. तो a लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तब भी कट करेगा, तब भी हमारे रियल रूट्स आएंगे, x एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, बट अब डाउनवर्ड हो जाएगा. तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस करस्पॉन्ड्स टू a नेगेटिव. तो समझ में आया, d ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग हम दो केस पढ़ेंगे, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0. a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड, ये तो हम पहले कवर कर चुके. इधर क्या, इधर d greater than 0 वाला फैक्ट कैसे यूज किया मैं, ग्राफ को मैंने x एक्सिस को कट करवा दिया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ये भी याद रखना, d greater than 0 है, डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, ठीक है. अच्छा, अब सेकंड आते हैं, d इज इक्वल टू 0. अब d इक्वल टू 0 के लिए मैंने क्या बताया था, रूट्स रियल तो होंगे. अच्छा, इधर पूरा लिख लो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख लो, एंड डिस्टिंक्ट, इसलिए तो ये दो डिस्टिंक्ट जगह कट कर रहा है पैराबोला मेरा एक्स एक्सिस को. इधर क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तो होंगे, डी ग्रेटर एंड डी इक्वल टू जीरो, एंड ऑल्सो इक्वल,
तो इस केस में भी हम दो पैराबोला बनाते हैं फॉर ए ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ए लेस देन जीरो। तो मैंने क्या बोला, रूट्स इक्वल हैं। अच्छा इक्वल है, और इक्वल है तो क्या करेगा ये, देखो कट तो करेगा, कट करने से मेरा मतलब है एक ही जगह कट करेगा, और एक ही जगह कैसे कट कर सकता है, जब वो उसको टच करता हुआ ऊपर निकल जाए। तो पैराबोला विल बी लाइक दिस, इट विल जस्ट टच, टच कर रहा है इसका मतलब दोनों रूट सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ये 2 पे टच कर रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, x is equal to 2, x is equal to 2। Similarly, this is for a greater than 0। अब मैंने बोला a less than के लिए क्या हो जाएगा, a less than 0 के लिए अभी भी टच करेगा बट डाउनवर्ड होगा। तो सोचो डाउनवर्ड होगा, टच करेगा तो ऐसे तो बन नहीं सकता, इट शुड बी लाइक दिस, दिस इज ए, दिस इज फॉर ए लेस देन 0। क्लियर हुआ बच्चों क्या बोला मैं? तो ये हो गया 4। अब लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आता है हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या हुआ कि रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब वो जो कर्व है, जो ग्राफ है, दैट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, दैट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस। तो केस 4th, डी इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, और रूट्स इमेजिनरी है इसका मतलब क्या होता है, चलो अगर लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो, ग्राफ विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, लिख लो। इमेजिनरी मतलब क्या हुआ, ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट लिख लो या कट लिख लो, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। और उधर तो मैं लिखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लगाया था, तो उधर लिख लो ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, लिख लो। चलो एक काम करो, इससे पहले जो मैंने लिखवाया था डी ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स आर रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट, उधर ब्रैकेट में लिख लो ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्लियर है। और इस सेकंड जो केस लगाया था डी इक्वल टू 0, उसके लिए मैंने क्या लिखा था, रूट्स आर रियल एंड ऑल्सो इक्वल, उसमें लिख लो ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, और इधर क्या लिखेंगे, ग्राफ विल नॉट कट द एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब मैंने बोला कि इधर भी अगर दो केस पढ़े हम, तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड होना चाहिए पैराबोला, पहली बात। अपवर्ड के साथ साथ ये, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कट ना करें, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये ग्राफ जो है अभी जो मैंने बनाया दैट इज नॉट कटिंग द एक्स एक्सिस, और ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव के लिए ये हमारा केस किसके लिए हो गया, केस 1 इनसाइड द केस 3rd, दिस इज 3rd। और डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा मेरा, लेट्स से दिस इज डाउनवर्ड के लिए बनाना है, तो अगेन आई डोंट वांट कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, तो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज दिस ए लेस देन 0। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलो तो अब तुम क्या करो, एक पेज पे ये 6 के जो 6 ग्राफ बनाए उनको लिखो एक बार, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, क्या लिखोगे जो मैंने अभी बनाया उसको एक पेज पे समरी करके लिखो कि डी ग्रेटर देन 0, उसके अंदर दो ग्राफ बनेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर डी लेस देन डी इक्वल टू 0 के लिए दो ग्राफ बनेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड, एंड सिमिलरली फॉर केस 3rd, डी ग्रेटर देन 0 इसके लिए दो ग्राफ बनेंगे फॉर ए ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ए लेस देन 0। तो यही 6 तरह के ग्राफ तुम्हें पढ़ना है क्वाड्रेटिक में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे आगे चल के हम कोऑर्डिनेट वगैरह ज्योमेट्री वगैरह में देखेंगे, हम लोगों को इस टाइप के पैराबोला भी पढ़ना है, बट अभी फॉर टाइम बीइंग हमें इस टाइप का नहीं पढ़ना है, मतलब साइड, इसको बोलते हैं ओपनिंग साइडवेज, बट अभी हमें इसका इसका एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के लिए अभी हमें केवल अपवर्ड और डाउनवर्ड पढ़ना है, इसको क्या बोलूंगा, साइड ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये साइड ओपनिंग राइट हो गया, ये साइड ओपनिंग लेफ्ट हो गया, ठीक है। सो दिस वी विल सी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉट नाउ, ये भी हमारा पैराबोला ही, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हमारा एक और पॉइंट बचता है, अच्छा ये 4th पॉइंट था हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अब 5th पॉइंट भी बहुत आसान है, हालांकि दैट इज वाई इंटरसेप्ट, तो लिख लो इधर 5th पॉइंट हमारा। देखो जितने ही मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ना, ये सभी जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट यूज हो एक ग्राफ बनाने के लिए, इसमें कुछ पार्ट्स का ही, देखो सबसे मेन पार्ट जो होगा ना, दैट विल बी द वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गया तो समझ लो आधा से ज्यादा ग्राफ तुम्हारा बन गया। तो इसलिए वर्टेक्स में मैंने बहुत स्ट्रेस दिया और उसको मैंने टाइम भी ज्यादा दिया था, उसके ड्राइव भी हमने 3 मेथड से किए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 5th इज वाई इंटरसेप्ट। अच्छा पहले वाई इंटरसेप्ट समझते हैं, डेफिनेशन क्या होती है वाई इंटरसेप्ट की, जैसे y इंटरसेप्ट नाम से ही पता चल रहा है y पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है कर्व, तो इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, दिस इज
y कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जहां मेरा ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस को कट करे, हाँ, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ, वेयर द ग्राफ, वेयर द ग्राफ कट्स द, कट्स द y एक्सिस. जैसे मैंने अभी पैराबोला नहीं ले रहा, लेट्स से मैंने एक स्ट्रेट लाइन कर लिया, लेट्स से दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट है मेरा 2, 0, और लेट्स से ये वाला पॉइंट है मेरा 3, 0, let's say 5. तो इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा, ये लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, 0.5 पे कट कर रही है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 5, तो y इंटरसेप्ट विल बी 5. सिमिलरली फाइल से x इंटरसेप्ट क्या होगा, ऑन द सेम बेसिस, जहां x एक्सिस को कट कर रही है ग्राफ, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, उसका ग्राफ, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, तो x इंटरसेप्ट विल बी 2. समझ में आया, तो ये तो हल्की फुल्की फील के लिए बताया. अब पैराबोला में क्या करूंगा, अब देखना पैराबोला में, जैसे मेरा ये पैराबोला है, लेट से ये मेरा पैराबोला है, तो लेट से ये मेरा पैराबोला है, तो व्हाट इज द, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मेरा वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज माय वाई इंटरसेप्ट, दिस इज माय वाई इंटरसेप्ट, क्लियर है. अच्छा तो कैसे निकाले वाई इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में मैं अब क्या फैक्ट यूज करूं y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो उसको उसको समझने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, तुम लोग इसको कॉपी कर लो. मैंने बोला कि y इंटरसेप्ट में क्या हो रहा है, हमने डेफिनेशन में क्या यूज किया, वेयर द ग्राफ कट्स द y एक्सिस. अब यही फैक्ट मैं मैथमेटिकली यूज करूंगा. पहले तो मैं कर्व लिख लेता हूं, पैराबोला की बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मैंने बोला कि मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट को मैंने डिफाइन कैसे किया, ग्राफ जहां y एक्सिस को कट कर रहा है, तो जहां कट करता है उस पॉइंट पे ध्यान देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है. y एक्सिस पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y तो वेरी करता है, वर्टिकल लाइन है. अच्छा फिर मैंने बोला कि ये फैक्ट मैं यूज करने वाला हूं टू फाइंड द y को इंटरसेप्ट. क्या करूं मैं, मुझे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है, मुझे y निकालना है, तो क्या करूं, x कोऑर्डिनेट रख देता हूं, विच इज नथिंग बट 0. तो इधर मैंने x is equal to 0 रख दिया, तो y कितना आया मेरा, c, this is nothing but y intercept. समझ में आया क्या हुआ, y intercept मतलब, y intercept निकालने के लिए क्या करेंगे, put x is equal to 0 in the function, whatever value you will get for y, that is nothing but y intercept. तो लिख लो इधर, to get y intercept put या substitute x is equal to 0 in the function, इन द फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन, जो लिखना है. ठीक है, तो y इंटरसेप्ट आ गया. ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो ऐसे लिखा पैराबोला, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, तो इसके लिए y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो x को 0 डाला, y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये जो पैराबोला है ये y एक्स, ये कट, ये पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास करेगा, 0.2 से. क्लियर है, y इंटरसेप्ट इज 2. तो ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट. इसका भी हम यूज करेंगे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. देखो मोस्टली क्या यूज होगा, तुम्हारा वर्टेक्स सबसे मेन प्रायोरिटी इज वर्टेक्स, और अगर रूट्स निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रूट्स जनरली क्या होता है ना कि इरेशनल वगैरह भी आ सकते हैं, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, बट y इंटरसेप्ट निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट x को 0 डालना है, जो भी कॉन्स्टेंट पार्ट है दैट इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट. तो इन मोर, जैसा भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूज वर्टेक्स एंड y इंटरसेप्ट टू ड्रॉ द ग्राफ. रूट्स की तो बहुत कम ही आवश्यकता पड़ेगी. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब हम मूव करेंगे कुछ एग्जांपल्स की तरफ. सो दिस विल बी अवर फर्स्ट एग्जांपल. मैंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट. ठीक है, तो देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, रूट्स निकाल के भी ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ. कैसे, जैसे इसका ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है मुझे रूट्स क्या है, 2 and 1, बिकॉज सम ऑफ रूट इज 3, प्रोडक्ट इज 2. तो मुझे एक बार रूट्स पता चल गए, तब तो फिर मुझे वर्टेक्स वगैरह निकालने की भी जरूरत नहीं है.
बट तुम्हारी अभी हैबिट क्या होना चाहिए, जो भी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी, इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड द वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, सो दैट जब प्रैक्टिस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 3-4 बार निकाल लोगे ना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा वो वर्टेक्स का, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रूट्स डायरेक्टली बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन से, वन एंड टू आर द रूट्स। अब मैं कैसे, रूट्स तो आ गए, मतलब ये दो जगह कट करेगा। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो कैसे डिसाइड करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच इज 1 पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज दिस थिंग, ठीक है। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, कि ये वर्टेक्स भी निकालना है, ठीक है ना। मुझे इधर जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं निकाला, बट यू हैव टू ड्रॉ इट। हाँ, और क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, जो फास्ट में लिख सकता हूँ, एक ये इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ, ये क्या मेरा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x को 0 डालते हैं, तो y कितना आएगा 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 2। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? अच्छा अब सुनना, तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा, इसको रब कर देता हूँ मैं, तुम लोग कॉपी कर लो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और 4, माइनस 2 और 4, माइनस 2 प्लस 4 इज 2, तो माइनस 2x और क्या लिया मैंने, माइनस 8। एक बार चेक कर लेते हैं, सम ऑफ रूट इज 2, तो 4 एंड 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, मतलब इसका ग्राफ बनाओ, कहने का मतलब, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अगेन ऑब्जर्वेशन से अगर बता पा रहे हो रूट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वैसे मैं ऑब्जर्वेशन से लिख रहा हूँ, रूट्स आर 4 एंड माइनस 2, देख रहे हो, सम ऑफ रूट इज 2, प्रोडक्ट इज माइनस 8, तो 4 और माइनस 2 रूट आया, तो एक मेरा आया माइनस 2 और एक आया 4। अब क्या करूं मैं, नाउ वी विल सी, एक मिनट, सम ऑफ रूट इज 4 माइनस 2 इज 2, माइनस बी बाई 2 है, नहीं ये मेरा गलत हो गया, रूट्स आर 4 और माइनस 2 है ना, तो 1 आ रहा है ये, वेट अ मिनट, एक काम करते हैं मैं इसको, सम ऑफ रूट इज 2 माइनस बी बाय, तो 2 आ रहा है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट माइनस 8। तो अगर मैंने इसके रूट्स देखूंगा तो मेरा क्या आ रहा है इसके रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट इज 2, सम इज इक्वल टू 2 और दिस इज प्रोडक्ट, तो सम मेरा 2 आया और प्रोडक्ट 8 आया, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, माइनस 4 एंड माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2, तो मेरा क्या आया 4 और माइनस 2। तो अब देखो, अब मैंने बोला इसका ग्राफ बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड बनेगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई मेरी, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। इसमें और हम इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x को 0 रखो तो ये क्या आया 0, -8। तो देखो अभी तक मैंने जो दोनों एग्जांपल लिए, इसमें रियल रूट्स लिखवाए, सो रूट्स प्लॉट करना आसान हो गया। बट मान लो अब मैंने तुम्हें बोला कि लेट्स से एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने बोला कि एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, अच्छा उससे पहले एक डाउनवर्ड का और देख लेते हैं। तो मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, लेट्स से मुझे इसका निकालना है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 4 प्लस, चलो ऐसे लिख दिया। अब मैंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला नोटिस बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। अब मेरे को रूट से नहीं करना, मान लो इसको रूट्स निकाल के नहीं करना, तो क्या करना है, जैसे मैंने बोला था इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई विल यूज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, तो अब मैं इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तुम लोग खुद से निकालो वीडियो पॉज करके, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस बी बाय 4a, ठीक है ना। जैसे देखो मेरी आदत क्या होती है कि मैं इसको याद तो रखता हूँ, ठीक है ना, बट इससे कैलकुलेट नहीं करता, डायरेक्टली जो x कोऑर्डिनेट आता है ना उसको पैराबोला में रख के आई यूज टू कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट। यू शुड ऑल्सो मेक दिस हैबिट, ठीक है ना, मतलब जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे, हालांकि बात तुम्हारे ऊपर है, मैं जनरली क्या करता हूँ, x कोऑर्डिनेट इससे निकालता हूँ, फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मुला आई यूज टू पुट दिस x कोऑर्डिनेट हियर टू कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो माइनस ऑफ b is minus 2 divided by twice of a is minus 1, तो मेरा ये कितना आ गया, ये गया खत्म 1। अब मैं क्या करूंगा, खुद सोचो, अब तुम इसमें d रखोगे तो टाइम टेकिंग है ना, इंस्टेड ऑफ दैट 1 डायरेक्टली इसमें रखो, तो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 into 1 2, तो 1 कॉमा 2 आ गया,
समझ में आया कैसे बोला मैं? अब सोचो इसमें रखते हैं तो तुम्हें, चलो इससे भी कैलकुलेट करते हैं, माइनस डी बाय फोर है तो माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर इज फोर माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू माइनस वन, तो प्लस फोर हो जाएगा, डिवाइड बाय फोर ए, ए इज माइनस वन, तो देखो क्या आ रहा है, माइनस एट अपॉन माइनस टू विच इज टू, तो वही आया टू। बट ऑफकोर्स सोचो ये ज्यादा आसान रहा है डायरेक्टली जो x आया उसको हमने y के एक्सप्रेशन में रखा, ऑफकोर्स दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, बट हाँ याद जरूर रखना है, ठीक है ना, इसका मतलब एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे मतलब जैसे सीईटी वगैरह एग्जाम दोगे उसमें तो क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम भी रहता है, तो डायरेक्टली वो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ एबीसी, तो हमें याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला, अब क्या करें, तो वर्टेक्स को लोकेट किया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो मतलब ये वर्टेक्स है मेरा, ये वर्टेक्स है, अब देखना वाई इंटरसेप्ट वाला फैक्ट यूज होगा कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। अब मान लो तुमने केवल वर्टेक्स बनाया और वाई इंटरसेप्ट का फैक्ट यूज नहीं किया, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक देखो पहली चीज क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है ना, और तुमने वर्टेक्स, ये दो फैक्ट यूज करके अगर तुम ड्रॉ करना चाहोगे तो मैं बोल रहा हूं इन दिस पर्टिकुलर केस देर आर टू पॉसिबिलिटी, देखना मैं बना रहा हूं क्या क्या, एक तो मैंने ये बनाया और एक मैंने ये बनाया, चलो इसको अलग कलर से बना देता हूं सो दैट, दिस वन इज करेक्ट और दिस वन जस्ट थिंक इट, और मैंने बोला था कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस दिया था कि आई विल यूज दीज टू फैक्ट, एक तो वर्टेक्स और एक दूसरा क्या था वाई इंटरसेप्ट, अब देखो वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका, एक्स को जीरो डालूंगा तो वन, तो अब ये देख लो दोनों ग्राफ में से कौन सा एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, ब्लू वाला ऊपर वाला, बिकॉज ये कट कर रहा है यहां और ये कट कर रहा है यहां, तो किसके अंदर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ऊपर वाले के अंदर, सो दिस इज माय करेक्ट ग्राफ, दिस इज रॉन्ग, तो समझ में आया, जैसे इधर हमें वाई इंटरसेप्ट की भी जरूरत पड़ गई, ठीक है ना। देखो एक तरीका और था इसको जज करने का, देखो ये तो एक तो हो गया वाई इंटरसेप्ट से, मैंने इन दोनों में निकाला कि विच इज करेक्ट वन, एक मैं रूट से भी निकाल सकता हूँ, रूट जैसे मैंने इसके रूट निकाले लेते एक बार, मैंने कहा रूट से भी मैं बता दूंगा वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट, एक तो मैंने क्या बताया वाई इंटरसेप्ट से मैंने बताया कि वन इज करेक्ट, नाउ आई कैन टेल द सेम रिजल्ट बाय फाइंडिंग द रूट्स, तो रूट्स निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर फोर प्लस फोर डिवाइड बाय टू, इतना ही छोड़ना काफी है, इसके बाद भी सॉल्व नहीं करना, इसी से बता दूंगा मैं, देखो अब दिख रहा है कि जो मेरा ब्लैक वाला था जो एक्चुअली रॉन्ग केस था उसमें दोनों जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहा है और जो मेरा जो करेक्ट वाला था उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, नाउ यू कैन सी हियर कि इधर माइनस टू है और इधर प्लस माइनस लिखा है, तो जब मैं इधर माइनस साइन लूंगा तो ऑफकोर्स एक रूट तो नेगेटिव आने वाला है, देखो प्लस साइन लूंगा इधर तब मैं गारंटी नहीं ले सकता कि रूट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो कब वो डिपेंड इस पे करेगा कि ये पॉइंट ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है या माइनस टू बड़ा है, मतलब टू बड़ा है या रूट एट बड़ा है, मैंने बोला कि मेरे को जब मैं इधर माइनस साइन लूंगा तब पक्का कि ये रूट नेगेटिव आएगा, तो इन दोनों में से एक रूट तो पक्का नेगेटिव है, दिस इज श्योर बाय दिस फॉर्मूला, तो एक रूट नेगेटिव है तो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज ब्लू वन, हैंस दिस इज करेक्ट, तो तुम दोनों मेथड से लिखो इसको प्रॉपर अपने लैंग्वेज में, हमने क्या किया देखो सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया एक बार और बताता हूं, ये समझ गया तो मतलब समझ लो सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे, ग्राफ मैंने बोला सबसे पहले मैंने एक्स वर्टेक्स का बनाया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, वो आया हमारा 1.2, ठीक है मैं इसको रब कर रहा हूं तुम लोग कॉपी कर लेना, मैंने बोला दिस इज 2 दिस इज 1, तो दिस इज अ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1.2, फिर मैंने बोला वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये दो फैक्ट यूज करके देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ, वन इज दिस वन द ब्लैक वन एंड द अदर वन इज, एक और बना देता हूं, अदर वन इज ऐसी वैली पॉसिबिलिटी, मैंने बोला इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो जज करने के लिए आई कैन यूज टू वेज आई कैन टेल, वन इज यूजिंग वाई इंटरसेप्ट, देखो इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स के जीरो रखेंगे तो वन आ रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट देख लो किसमें पॉजिटिव आ रहा है, ऑफकोर्स जो मैंने ऊपर ऊपर वाला बनाया ये वाला, हैंस दिस इज करेक्ट, दिस इज ब्लू वन इज रॉन्ग, या फिर यूजिंग द रूट्स, तो मैंने रूट्स में रूट्स निकाले तो मतलब पूरा फाइनली रूट्स कैलकुलेट नहीं किए, सिंप्लीफाई नहीं किया, इसी स्टेप में मैं बोल सकता हूं कि जो दो रूट आने वाले हैं उसमें से कम एक नेगेटिव आएगा 100%, दूसरे पे कमेंट नहीं कर सकते बट एक तो नेगेटिव आएगा, तो अब ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाले के लिए इस डायग्राम के हिसाब से दोनों रूट पॉजिटिव है,
एंड दिस कैन नॉट बी द आंसर, आंसर हैज टू बी द ब्लैक वन, क्योंकि इसमें तो कम से कम एक रूट तो नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, प्रॉपर एक्सप्लेन जैसे मैंने फ्लो बताया वही उसी फ्लो में जाना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े और एग्जांपल्स भी दे दूंगा तुम लोगों को फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ग्राफ्स ऑफ पैराबोला। बाकी अभी हम और देख लेते हैं y is equal to 2x square minus 6x plus 1। तो मैंने बोला इसका ग्राफ बनाओ, तो अगेन क्या करें हम, हमेशा याद रख लो कि ग्राफ बनाना है तो माय फोकस इज y इंटरसेप्ट एंड वर्टेक्स, ये तो आसानी से दिख ही जाता है, ठीक है ना। ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, या फिर ऐसे बोलो इन तीनों की मदद से निकालूंगा। लास्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड द रूट्स, मतलब अगर जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्या बोला मैं कि वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट और ए का साइन, इन तीन का फैक्ट यूज करके आई विल ड्रॉ एवरी ग्राफ ऑफ पैराबोला, मैं हर एक पैराबोला ग्राफ बना सकता हूं। तो बनाते हैं, तो सबसे पहले वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ बी इज माइनस 6 बाय 2 टू द 4, तो ये आया मेरा। इधर वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, मैंने बोला वाई कोऑर्डिनेट ऐसे कभी नहीं निकालेंगे हम, ठीक है ना। हम क्या रखेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट आने वाला है उसको हम इसमें रख देंगे। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, माइनस बी बाय 2a करके 6 बाय 4 व्हिच इज 3 बाय 2, माइनस 3 बाय 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 बाय 2। अब मैंने बोला ये 3 बाय 2 इसमें रख दो, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 3 बाय 2 9 बाय 4 माइनस 6 इंटू 3 बाय 2 प्लस 1, तो ये 1 टाइम ये 3 टाइम, तो ये हो गया 1 टाइम ये 2 टाइम 9 बाय 2 प्लस 1 माइनस 3, तो 9 बाय 2 माइनस 2 विच इज 9 माइनस 4 5 बाय 2। तो मेरा क्या आया, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आया, एक्स कोऑर्डिनेट 3 बाय 2 था, तो जो वर्टेक्स होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दिस इज 3 बाय 2 एंड दिस इज 5 बाय 2, तो वर्टेक्स मेरा क्या आएगा, दिस इज द वर्टेक्स। अब अपवर्ड पैराबोला है तो इधर मुझे वाई इंटरसेप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक मिनट जस्ट सेकेंड, तो मेरा ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। एक मिनट, से वाई इंटरसेप्ट 5 बाय 2 से बड़ा कैसे आ गया, जस्ट लेट मी चेक इट वेरीफाइड, माइनस बी बाय 2a, तो माइनस ऑफ माइनस 6 है 6 बाय 4, 3 बाय 2 करेक्ट है, 3 बाय 2 पे इसका वैल्यू एक बार चेक करते हैं हम दोबारा, 2 इंटू 3 बाय 2 का स्क्वायर 9 बाय 4 माइनस 6 इंटू 3 बाय 2 प्लस 1, तो ये मेरा 1 टाइम ये 3 टाइम, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो 9 बाय 2 माइनस 9 प्लस 1, वही तो गलत आया ना, वेट अ मिनट, ये जो y कोऑर्डिनेट निकाला ये हमने गलत निकाला है, ठीक है ना। ये 3 3 था 9 होगा, वो मैंने गलत लिखा था, तो ये मेरा कितना आया 9 बाय 2 माइनस 8, तो विच इज 9 माइनस 16 माइनस 7 बाय 2। मैंने कैसे पहचाना था, अच्छा चलो ये भी एक अच्छी चीज है, मैंने पहचाना कैसे था कि अभी मेरा गलत आ रहा है, मैंने देखा कि मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ना, ये 3 बाय 2 लिखा था, ये 5 बाय 2 लिखा था, ठीक है। फिर मैंने, ठीक है, मैंने वाई इंटरसेप्ट का यूज कर नहीं रहा था मैं, बिकॉज अपवर्ड है, वर्टेक्स ही है, तो पैराबोला इज दिस ओनली। बट फिर मेरे को, मैंने बोला कि गलती इसलिए है, गलत क्यों पकड़ाई गई, मैंने फैक्ट यूज किया वाई इंटरसेप्ट वाला, कैसे, मैंने बोला वाई इंटरसेप्ट तो 1 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये अगर 5 बाय 2 है तो ऑफकोर्स इसका वाई इंटरसेप्ट जो पैराबोला मैंने बनाया है इसका वाई इंटरसेप्ट 5 बाय 2 से ज्यादा आएगा, इसलिए मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है। तो समझ में, अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम और भी किसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को, मतलब गलत चीज हो रही है तो उसको पकड़ सकते हो, जैसे कि अभी इधर पकड़ा गया, ठीक है। तो इधर वाई इंटरसेप्ट का यूज करने नहीं वाला था मैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने एक बार जस्ट ओवर भी भरा कि ठीक है वाई इंटरसेप्ट देखे तो सही 1 आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये तो मेरा गलत हुआ, क्योंकि मैंने वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट्स गलत लिखा था। नाउ अब सही आने वाला है, देखो अब मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 2, ये रहा मेरा, वाई इज माइनस 7 बाय 2, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज माय वर्टेक्स। अब देखो इधर भी अब दो पॉसिबिलिटी आने वाली है, कैसे कैसे, इसको मैं रब कर रहा हूं, अपवर्ड पैराबोला है तो मैंने बोला देखो दो पॉसिबिलिटी कैसे बना रहा हूं, एक तो ये देखना ध्यान से, और एक पॉसिबिलिटी बना रहा हूं ये। अब तुम बताओ क्या होगा, और तुम वो इंटरसेप्ट वाला फॉर्म यूज कर लो, यू कैन यूज इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट। तो इंटरसेप्ट से दिख रहा है क्या, कि जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है क्वेश्चन का उसमें 1 आ रहा है, तो मतलब जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करना चाहिए वाई एक्सिस को, मतलब ये वाला, दिस इज करेक्ट। मैं आया कैसे बोला, ये ब्लैक वाला रॉन्ग हो जाएगा,
क्योंकि इस ब्लैक वाले के लिए तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, बट y इंटरसेप्ट तो प्लस वन है, एज दिस ब्लू वन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब क्या करें, इसको एक और तरीके से मैंने कैसे बताया, रूट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि विच वन ऑफ दिस टू इज करेक्ट, कैसे इसके रूट निकाल लो। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। नाउ यू कैन सी 36 माइनस 8 क्या होगा, चलो इसमें निकालते हैं। मैंने बोला 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 8 इज 28 डिवाइड बाय 2। नाउ यू कैन सी, देखो पॉजिटिव साइन लेने पे तो ऑफ कोर्स रूट विल बी पॉजिटिव, अब इधर नेगेटिव साइन लेने पे क्या आ रहा है, रूट 28 क्या होगा, 6 से छोटा होगा, हेंस बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, और दोनों रूट पॉजिटिव किसमें है, इस पर्टिकुलर केस में, हेंस दिस इज करेक्ट। तो या तो y इंटरसेप्ट का यूज करके या फिर रूट्स का यूज करके आई कैन टेल द फाइनल आंसर व्हिच इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, ओके, एक काम करते, एक दो ग्राफ और बना लेते, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। मैंने बोला अब थोड़ा मैं b को जीरो रख रहा हूं, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 लेट्स से, हालांकि ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूं, इधर जल्दी जल्दी बनाएंगे हम, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो इन सच क्वेश्चन ना, अगर b जीरो है, x का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो कुछ सोचो क्या आने वाला है मेरा, जब मैं वर्टेक्स निकालूंगा तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो आएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जीरो आएगा तो मेरा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, वो x जीरो रखूंगा इसमें, तो सोचो विदाउट मतलब पेन एंड पेपर भी मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे बोला मैं, जैसे मैंने बोला इन सच कैटेगरी, दिस इज अ पैराबोला जहां b जीरो है, b जीरो है क्योंकि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट है ही नहीं ना x, तो मैंने बोला कि b जीरो है तो जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें फॉर्मूले में क्या आता था, माइनस बी बाई टू है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स को जीरो रख दिया, तो वाई कितना आ गया, माइनस वन, तो पेन एंड पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इज जीरो कॉमा माइनस वन। माउथ अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ इज दिस, तो जल्दी बन गया हमारा। और वैसे भी दिख रहा है इसके रूट्स प्लस माइनस वन है, तो ये बनाएगा, ये माइनस वन आएगा, हालांकि जरूरत नहीं है। सिमिलरली इधर अब मैंने बोला विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन टेल द वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, कैसे, बी जीरो है तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स को इसमें जीरो रखा तो वाई क्या मिला, थ्री, तो मेरा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कॉमा थ्री, तो ये हो गया मेरा जीरो कॉमा थ्री। माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो पैराबोला ही हो गया। जैसे मैंने और ले लिया वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, नाउ यू कैन प्ले विद इट, मतलब एक बार अगर तुम्हें वो पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई भी पैराबोला आ जाए यू विल बी एबल टू ड्रॉ, और हमें हैबिट बताना है विद इन 10 टू 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स मैक्सिमम वी शुड बी एबल टू फाइंड द ग्राफ। ठीक है, चलो फिर मैंने बोला इसका क्या करें, बी जीरो है, बी जीरो है तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा वर्टेक्स का, एक्स जीरो डाला तो सिक्स आया, तो आंसर इज आंसर मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज 0.6। अब मुझे क्या बनाना है, डाउनपुट बनाना है, तो ऐसे बना दिया। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारे पैराग्राफ ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि एक एग्जांपल और दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, उसमें ग्राफ नहीं बताना है, उसमें तुम्हें ग्राफ दिया होगा, उस पर हमें एबीसी के साइन के ऊपर कमेंट करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। मैंने बोला कि ग्राफ तो हमने देख लिया, अब तो अब ये है कि तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तुम लोग घर पर प्रैक्टिस कर लेना ग्राफ की, वो करना जरूर है। ठीक है ना, आज की आज ही। जैसे मैंने बोला कि उसने एक ग्राफ दे दिया फॉर द पैराबोला ए एक्स स्क्वायर, मैं लिख लेता हूं इधर, ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड है हमारा बी एक्स प्लस सी, दिस इज माय पैराबोला वाई, और लेट्स से उसने दिया हमें चलो मैं ये मान रहा हूं दिस इज द पैराबोला। फिर उसने बोला, क्वेश्चन है, कमेंट ऑन साइन एस आई जी एन साइन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। एक काम करते, इसको ऐसे बना देते, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने बोला एबीसी के साइन पे कमेंट करो, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला चीज, सबसे पहले हम आते हैं, चलो डाउनवर्ड पैराबोला है तो क्या होगा, ए इज नेगेटिव, क्यों हुआ डाउनवर्ड, ऐसी है
इस टाइप के क्वेश्चन में भी यही मेंस में आए हुए हैं, एक ग्राफ दे देगा उससे रिलेटेड फिर इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वी हैव टू कमेंट ऑन साइन ऑफ एबीसी, ठीक है। विल सी ना, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, हालांकि हम इसी के ऊपर बता देंगे, ठीक है। अब मैंने बोला ए के सी का साइन हो गया, अब आते हैं बी के साइन पे। तो बी के साइन को निकालने के लिए मैंने क्या इफेक्ट यूज किया, सम ऑफ रूट्स, क्या किया, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बाई टू है। तो अब देखना माइनस बी बाई टू है सम ऑफ रूट, अब मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एक रूट ये है एक रूट ये है, दोनों रूट पॉजिटिव है, सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सम पॉजिटिव होगा, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो बी हैज टू बी पॉजिटिव। समझ में आया क्या हो रहा है, समझ में आया ना क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा अब सी का साइन, सी का साइन के लिए मैं दो तरीके से बता सकता हूं, कैसे कैसे, मैंने कहा सी के साइन के लिए देयर विल बी टू वेज, एक तो मैं फैक्ट यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर वाई इंटरसेप्ट, बोथ वे आई कैन टेल द साइन ऑफ दिस सी, कैसे, मैंने बोला चलो पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल रहा हूं सी बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफकोर्स बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, तो क्या होगा मेरा प्रोडक्ट, क्या होगा पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ए मेरा मैंने ऑलरेडी निकाल लिया दिस इज नेगेटिव, तो इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव कब आएगा, जब सी नेगेटिव हो, हैं सी शुड बी नेगेटिव, दिस इज द मेथड वन। मैंने कहा वाई इंटरसेप्ट से तो डायरेक्टली दिख जाएगा, दिख रहा है वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, एक्स ये जीरो रखते हैं हम, तो वाई इंटरसेप्ट सी तो होता है, तो सी हैज टू बी नेगेटिव, तो वो ज्यादा आसान रहा, बोले एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर हुआ बच्चों, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर दो, ठीक है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, सेम चीज निकालना, बट मैं पैराबोला की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, देन आई विल अगेन कमेंट ऑन एबीसी, साइन ऑफ एबीसी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो अब मैं पैराबोला चेंज कर रहा हूँ पोजिशनिंग, अब मैं इसको ले रहा हूँ ऐसे, देखना और ये मैंने बनाया है स्केल के साथ बनाया, मतलब ये छोटा है एज कंपेयर टू ये फैक्ट भी यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी हैव टू कमेंट ऑन साइन ऑफ एबीसी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, तो देखो ए तो पॉजिटिव है, ऑफकोर्स सबसे ए तो बहुत आसान होता है, डायरेक्टली देख लो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो ए तो पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है हमें थोड़ी बी में, और इवन सी में भी नहीं करनी पड़ती, सी भी क्या है, डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट से आ जाएगा, जैसे मैं इधर लिख सकता हूँ सी इज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सी का वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है ना, एंड सी इज नेगेटिव, मेहनत थोड़ी सी लगेगी बी में, उसमें भी ज्यादा नहीं, और बी निकालेंगे कैसे, सम ऑफ रूट की मदद से। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स, अच्छा एक और तरीका है वैसे, सम ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं या फिर और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की मदद से भी निकाल सकते हैं, हाँ ये भी याद रख लो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की मदद से भी निकाल सकते हैं, दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं पहले सम ऑफ रूट से बता रहा हूं, तो सम ऑफ रूट से मेरा क्या होता है, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय टू है। अब इस फैक्ट पे आते हैं, ये लेंथ छोटी है ये लेंथ बड़ी है, और मुझे दिख रहा है ये रूट नेगेटिव है ये रूट पॉजिटिव है, तो लेट्स से ये अगर 2 है तो डेफिनेटली ये 2 माइनस 2 से छोटा होगा, तो लेट्स से मैंने माइनस 5 मान लिया, तो सम क्या आएगा, जो नेगेटिव वाला रूट है ना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो सम विल बी नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। अच्छा ए पॉजिटिव है ये हमने देख लिया, ए इज ग्रेटर देन 0, तो इस पूरे को नेगेटिव आने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ऐसे बोल लो, या फिर मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाय टू ए, सॉरी सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, ये मैंने ठीक है, टू का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चेंज कर लेना माइनस बी बाय, ये माइनस बी बाय टू है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, अब एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है ये है, और ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, और ये मेरा ए पॉजिटिव ऑलरेडी निकाला, तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो वही चीज आएगी, ठीक है। सो ऐसे मेमोराइज कर लो या फिर समरी भी ऐसे लिख लो, देखो ए तो हम डायरेक्टली बता देंगे अपवर्ड है या डाउनवर्ड है उसके आधार पे, बी कैसे बताएंगे, वी कैन यूज टू फैक्ट, लिख लो दैट यू हैव टू राइट समरी के फॉर्म में, बी के साइन के ऊपर कैसे कमेंट करेंगे, इधर यूज सम ऑफ रूट और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और लास्टली सी कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट और क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर वाई इंटरसेप्ट की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ ऑफ पैराबोला। अब एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं, थोड़ा बस एक बहुत 2 मिनट का या 5 मिनट का,
ग्राफ ऑफ क्यूबिक, मतलब हायर डिग्री पॉलिनोमियल, सो दैट अगर तुम्हारे शीट में कुछ क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड सो तुम अटकोगे नहीं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट और ले रहा हूँ, ग्राफ ऑफ क्यूबिक, अभी हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, आई एम नॉट मतलब मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि इसको डिटेल में समझने के लिए हमें कैलकुलस का काफी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और वो अभी तुम स्टार्टिंग स्टेज है तुम लोगों की। तो अभी के लिए तो एक मैं वो क्यूबिक ले रहा हूँ या फिर वो हायर डिग्री पॉलिनोमियल ले रहा हूँ जिनके रूट्स रियल है, ठीक है, उनके लिए देख लेते हैं और उतना काफी अभी के लिए, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग। तो मैंने बोला देखना ग्राफ ऑफ, ऐसे लिख लो, नहीं तो ग्राफ ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल विथ रियल रूट्स लिख लो, ऐसे ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ हायर डिग्री, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। बहुत छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है ना, सो डोंट कम टू मी कि सर इस क्यूबिक का बना दो, अभी मैं उसी क्यूबिक का बता रहा हूं तुम लोगों को, या उसी बाइक्वाड्रेटिक 4 डिग्री का बता रहा हूं या 5 डिग्री का, जिसके रूट्स रियल है। तो ग्राफ ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल और इधर लिख लो विथ रियल रूट्स, विथ रियल रूट्स, अभी हम रियल रूट्स वाले ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं, जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, तो क्या होगा हमारा सबसे पहला स्टेप, सिंस रूट्स तो रियल है दिख रहे हैं क्लियरली, तो क्या होगा हमारा वन टू एंड थ्री आर द रूट्स, तो वन टू एंड थ्री। अब ग्राफ का नेचर क्या होगा क्यूबिक के लिए, अब देख अब इसमें सबसे पहले बस हमें याद क्या रखना है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है ना एक्स का, उसका कोफिशियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स जब तुम तीनों ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो x क्यूब का कोफिशियंट क्या आएगा 1 आएगा, विच इज पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव के लिए मेरा क्या होगा ग्राफ, देखो प्लस इंफिनिटी पे यहां से स्टार्ट होगा, फिर ये कहीं टर्न लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट अभी हम नहीं देख रहे हैं इसका, यहां इतना बता देता हूं तुम लोगों को कि x अगर x क्यूब का कोफिशियंट पॉजिटिव होगा, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसका अगर कोफिशियंट पॉजिटिव होगा तो ये इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, this will go this way and it will go this way, तो ऐसा zigzag ऐसा हुआ, ठीक है, समझ में आया। अच्छा जैसे अब मान लो कि इसको रब कर दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसमें एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, तुम ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिखोगे इसको, अब मैं एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा रहा हूँ तो देखना क्या चेंज आएगा, ये बिठा दिया मैंने, अब मैंने बोला नेगेटिव लगा दिया, अब क्या होगा उल्टा हो जाएगा, उल्टे से मेरा मतलब है अब x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे मुझे प्लस इंफिनिटी मिलेगा, तो अब मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर अगेन टर्न लेगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ये, इसका लिख लो, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये दो ग्राफ याद रखना तुम, जैसे और हायर डिग्री के बनाने हैं तो वो चलो वो और देख लेते हैं, एक हायर डिग्री का और देख लेते हैं अगेन, बट वो भी मैं रियल रूट्स के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, एक्चुअली मेरा टारगेट था नहीं ये बताने का, बट मैंने देखा शीट में एक आध क्वेश्चन है क्यूबिक से रिलेटेड, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। हाँ पैराबोला का ग्राफ एकदम अच्छे से आना चाहिए और वो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला एक फैक्टर और बढ़ा देता हूँ मैं, एक्स माइनस फोर, मैंने कहा ये कितना डिग्री हो गया, दिस इज फोर डिग्री पॉलिनोमियल, फोर डिग्री, तो क्या करेंगे चार रूट्स होंगे, चार रूट्स होंगे एंड रूट्स आर रियल, तो मैंने मार्क कर देता हूँ वन टू थ्री फोर। अब क्या होगा इसमें क्या इफेक्ट यूज करेंगे हम कि x की पावर 4 का जो कोफिशियंट आने वाला है दैट इज पॉजिटिव, तो क्या होगा x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे भी y क्या मिलेगा इंफिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे भी y मेरा इंफिनिटी मिलेगा, तो यहां से भी कर्व ऐसे स्टार्ट होगा और यहां से भी ऐसा होगा। अब रूट्स को क्रॉस करते जाओ और टर्न लेते जाओ, तो मैंने बोला ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, समझ में आया क्या हुआ। चलो इसका और एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो मैंने स्टार्ट ऐसे क्यों किया, जैसे देखो मेरा जो ये आएगा ऐसा आएगा x की पावर 4 प्लस मैंने बोले ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का होगा वेर ए बी सी कुछ वैल्यूज होगी। अब मैंने बोला कि x इंफिनिटी डालोगे ना तो क्या होगा ये जो पूरी वैल्यू है ना ऐसे लिख लो फॉर x इक्वल टू इन्फिनिटी, वैसे लिखना नहीं चाहिए इक्वल टू इन्फिनिटी क्योंकि इट इज इनवैलिड थिंग, बट अभी के लिए हम लिख लेते हैं, बट अब जब एक्चुअली पढ़ेंगे फंक्शंस में तब आई विल से x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है ना, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इधर लिख लो y भी इन्फिनिटी है, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तब भी मेरा y इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से चालू होगा और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या फिर ऐसे बोल दो, समझ में आया क्या हो रहा है।
अच्छा तो अब तुम्हें फील आ गई होगी। अब जैसे अगर मान लो मैं इधर माइनस साइन लगा देता हूँ, वो और कर लेते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैंने बोला अब मैं एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। नेगेटिव लगाएंगे तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब माइनस ऑफ प्लस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो अब देखना, अब मैं एक्स बार फोर, अब क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे टाल लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब ऐसे मूव कर गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वेयर एक्स आगे नेगेटिव लगाएगा। क्लियर है बच्चों? अब पांच देखो, तुम एक चीज और नोटिस करने वाली बात आएगी, क्या कि हालांकि उतना डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता था। देखो जैसे क्यूबिक पढ़ा था, तो उधर ऐसे दो चीज दो दो आ रहे थे, याद है मैंने क्यूबिक का ग्राफ ऐसे बताया था, दो आ रहे थे ऐसे ऐसे आ रहे थे दो, मतलब एक्चुअली टेक्निकल टर्म इज दो पॉइंट्स पे स्लोप जीरो हो रहा था, दो दो टर्न दो पॉइंट्स पे, ऐसे बोल दो तुम लोगों के लिए, अभी के लिए स्लोप वगैरह छोड़ो, तुम लोगों के लिए ऐसे लिखो कि दो पॉइंट्स पे कर्व टर्न हो रहा था। जब मेरा 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो दो जगह टर्न हो, तीन जगह टर्न हो रहा है, तो जितने डिग्री पॉलिनोमियल होगा उससे एक कम जगह टर्न होगा, मतलब उससे कम एक जगह स्लोप जीरो होगा। और अगेन दिस इज ओनली फॉर द रियल रूट्स, इमेजिनरी के लिए अलग थियरी है, ठीक है ना। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं फैक्ट बोला उसके आधार पर मान लो मैं एक एक रूट और बढ़ा देता हूँ इसका। तो मैंने बोला एक रूट और बढ़ा देता हूँ, मैंने बोला चलो एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव वाला लिख लेते हैं, तो इसको माइनस को हटा रहा हूँ। अब मैंने कहा इसके लिए बनाना है, तो अगेन पहला टारगेट क्या होगा मेरा, रूट्स प्लॉट किया 1 2 3 4 5, फिर अब ये और डिग्री है, एक्स की पावर फाइव आने वाला है, तो माइनस इंफिनिटी मिलेगा, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी मिलेगा, तो इधर से मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा होगा और इधर से मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा होगा। अब बस क्या करते जाओ, रूट्स को क्रॉस करते जाओ, यहां से गया फिर टर्न लिया, फिर ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, और खत्म। अब देखो 5 डिग्री है तो चार जगह टर्न हो रहा है, 1 2 3 4, क्लियर हुआ। और ये फैक्ट याद रखना, मैंने माइनस इंफिनिटी, देखो ऐसे लिख लो, ऑड होगा ना, ऑड डिग्री होगा, ऑड डिग्री होगा पॉलिनोमियल, तब मेरा फॉर ऑड डिग्री एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे जो मेरा वाई है, ये तो माइनस इंफिनिटी है और इधर वाई प्लस इंफिनिटी आएगा। और अगर इवन डिग्री है, समरी करके लिख लो इसको, इवन डिग्री है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों इंफिनिटी पे वाई मेरा प्लस इंफिनिटी आएगा, ऐसे याद रख लो। क्लियर है? तो बस इतना काफी है आज के लिए, काफी पढ़ लिया हम ग्राफ्स के बारे में। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है बिल्कुल पूछो बिंदास, और आज के आज क्लियर करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।